गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवा लर्निंग में। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.shivalearning.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। गाइस, काफ़ी टाइम से बच्चों से ये सवाल आ रहा था कि हम अपनी स्पीड को कैसे इम्प्रूव करें नीट 2019 के एग्ज़ाम के लिए। तो गाइस, नीट की स्पीड सही करने का ओवरनाइट कोई तरीका तो है नहीं, बट एक चीज़ है, प्रैक्टिस। आप अगर उसे रेगुलर करते हैं, अभी 4 महीने हैं गाइस, तो काफ़ी हद तक आपकी स्पीड जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर बच्चे फंसते हैं और क्या क्या चीज़ उन्हें अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए। तो गाइस, शुरू करते हैं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको मेनली 3 स्टेजेस से गुजरना होता है। टू सॉल्व अ क्वेश्चन देर आर मेनली 3 स्टेजेस दैट वन गोज थ्रू, मेनली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले स्टेज है यू रीड अ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ते हो। सेकेंड स्टेज होती है कोई भी क्वेश्चन को करने की, यू प्लान द वे टू सॉल्व इट, आप उसे प्लान करते हो कि कैसे सॉल्व करूँ इसे। और थर्ड चीज़ होती है यू डू द मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स करते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो गाइज, अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की। अब आप पहले चेक कर लीजिए कि आप इनमें से कौन सी चीज़ पर आप ज़्यादा अटकते हैं। आप पहली स्टेज पर अटकते हैं, सेकेंड स्टेज पर अटकते हैं, या थर्ड स्टेज पर अटकते हैं। तो गाइज, हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। नाउ इफ़ योर स्टेज वन इज़ स्लो, इट सजेस्टेड टू रीड न्यूज़पेपर और एनीथिंग लाइक कोरा मोर फ्रिक्वेंटली, इट टेक्स टाइम। आप क्या करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए। आपकी पहली स्टेज, आप जो पढ़ते हैं, आप उसे अगर स्लोली पढ़ते हैं क्वेश्चंस को, तो सबसे बेहतर यही है कि आप पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, ऐसी वीडियो देखें और उनमें जो भी आर्टिकल्स लिखे रहते हैं उन्हें पढ़ें। और गाइस, कोई ओवरनाइट तरीका तो है नहीं, 4 महीने हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए या अपने नेट से जुड़े हुए कोई आर्टिकल्स ऑनलाइन पढ़ें, फ्रिक्वेंटली पढ़ें और अपनी स्पीड को बढ़ाएं। सेकंड बात करते हैं गाइस, इफ़ योर स्टेज टू इज़ स्लो, यू विल हैव टू स्टडी मोर इन डेप्थ एंड ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन डेली। अगर आप प्लान करने में देर लगाते हो कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँ, तो इसका तो गाइस एक ही तरीका है, इसके अलावा कोई नहीं, कि आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। तो आपको सबसे आसान तरीका मिल जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन को बार बार करते रहोगे या मॉक टेस्ट देते रहोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे इजी तरीका कौन सा होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जो आप प्लान करने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, वो भी आपकी कमी दूर हो जाएगी। और थर्ड की बात करें गाइस, इफ़ योर स्टेज थ्री इज स्लो देन अगेन प्रैक्टिस इज़ द ओनली वे। अगेन गाइस, प्रैक्टिस से बड़ा तो कुछ है नहीं। मेरा ओवरऑल बात करने का यही मतलब था कि जो 4 महीने आपके बचे हैं, आप खाली ये मत करिए कि मुझे सही आंसर करना है और सारी चीज़ें याद करके जानी है। आप अपनी स्पीड पर भी थोड़ा काम करिए, क्योंकि गाइस कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो एग्ज़ाम उन्हें आता है बट वो छोड़ कर आ जाते हैं। छोड़ कर के आते हैं, मीन उनकी स्पीड स्लो होती है तो एग्ज़ाम छूट जाता है, फिर बाहर आकर रोते हैं। तो गाइस, बहुत स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं लास्ट के कई सालों में। तो ये कुछ टिप्स थी, न्यूज़पेपर पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और प्लान करने का सबसे छोटा रास्ता निकालें, आप जल्दी डिसीज़न मेकिंग पावर अपनी बढ़ाएं। तो गाइस, यही था आज की वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल शिवा लर्निंग को रेगुलर ऐसी नीट की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाएं। हर घंटे की नीट की अपडेट्स हमारे चैनल पर सबसे पहले आती है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।